हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। सीजीएल 2019 का आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। आपका नवंबर में 2 से 5 तो आपका टीयर 2 है और उसके कुछ दिन बाद ही आपका टीयर 3 है। और टीयर 3 में आपको बहुत अच्छे से पेपर देना है। आपके जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं आपको उनको बेस्ट तरीके से करना है। आपकी वर्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक बनाई है। काफ़ी लोग इसको ले चुके हैं, बहुत से लोग फ़ायदा उठा चुके हैं क्योंकि इतनी कम इसकी मैंने प्राइस रखी है। और इस PDF में जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे मिलेंगे। इतने ऐसे लेटर हैं आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूँगा फटाफट से कि इतने सारे ऐसे लेटर हैं और इतनी अच्छी उनकी वर्डिंग है और बिल्कुल टू द पॉइंट सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। वर्डिंग पूरी एग्जैक्ट है, आपकी लेटर हैं ऐसे हैं, फॉर्मेट है इनका पूरा। और ये जो जिस लिंक से आप इस बुक को लोगे उस लिंक से अगर आप दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड बुक फिर से मिल जाएगी। तो एक बार देखिएगा, ये सारे टॉपिक हैं, ये लेटेस्ट टॉपिक हैं, इनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप दोबारा से अगर डाउनलोड करोगे, अगर आप एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले भी डाउनलोड करोगे दोबारा से, आपको तो नए टॉपिक आपको मिलेंगे इसमें। आपको ऐसा नहीं है कि मैं सेंड करूँगा आपको दोबारा, ऑटोमेटिकली वो अपडेटेड बुक आपको मिलेगी। आपको जस्ट सेम लिंक से आपको दोबारा जो है हर लेटेस्ट टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ देखिए, आपको इतने ऐसे लेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत, और बिल्कुल आपको इतनी अच्छी वर्डिंग इसमें आपको मिलेगी शायद ही आपको किसी दूसरे, आप मार्केट से अगर बुक परचेज़ करना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट टॉपिक नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बुक पब्लिश पहले होती है और टॉपिक बाद में नए नए आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको मैं अपडेटेड बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही मामूली सी रखी है मैंने, जस्ट 70 रुपीज़। आप गूगल पे कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हिंदी में भी ये बुक है, हिंदी में इसके प्राइस है 32 रुपीज़। तो सारे जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, हर तरीके का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। कंप्लेनिंग लेटर और उनको कैसे कैसे लिखना है बहुत ही बारीकी से मैंने ये एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ले सकते हैं या फिर आप गूगल पे कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली डेट अमाउंट एंड आई विल सेंड यू द मेल, आई विल सेंड यू द PDF इन मेल, मेल में मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको मेरी वोकैब सेक्शन की भी बुक चाहिए प्लस ये डिस्क्रिप्टिव की भी बुक चाहिए तो टोटल 85 रुपीज़ की आपको ये पड़ेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम सो द लेटर देखिए आप, राइट ए लेटर टू ऑफ कॉन्डोलेंस टू योर फ्रेंड हु हैज लॉस्ट हिज फादर। तो यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया, एड्रेस अगर आपको मेंशन हो तो ही लिखिएगा, अपने आप से खुद से आपको इमेजिनरी एड्रेस नहीं लिखना है। डेट लिख दीजिएगा डियर वरुण। सो उसके बाद देखिए डियर वरुण यहाँ पे लिखा है तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, ये तो जस्ट आपको फिलअप करने के लिए मैंने बताया है। तो आपको कुछ भी XYZ लिख देना है यहाँ पे। नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द डीप शोक एंड ग्रीफ आई फेल्ट व्हेन आई हर्ड अबाउट द सैड एंड अनटाइमली डिमाइस ऑफ योर डियर फादर। द न्यूज़ वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। योर फादर was a very kind person भी लिख सकते हैं, and was helpful to others. He possessed great qualities of head and heart. He was undoubtedly a man of great courage, rare virtues and an endearing personality. His absence would always be felt. Be bold and look after your mother and your younger brother. Time will surely heal your wounds in due course. My sympathies are with you. May God rest his soul in peace. Yours sincerely, Vaibhav. तो इस तरह से आपको पूरा एक लेटर आप लिखोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। काफ़ी सारे लेटर आपको इस PDF में मिलेंगे और ऐसे हैं, अपडेटेड बुक है तो आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ों के, या फिर गूगल पे भी आप कर सकते हो। हर चीज़ की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हर चीज़ मैंने कितनी अच्छी तरीके से बताई है यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।